स्वागत। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक दिवसीय गावरान पिल्ले और उनका खाद्य नियोजन, पानी नियोजन, ब्रूडिंग, उनको लसीकरण कब और कैसे करना है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो आप अभी देख रहे हैं वो मेरा शेड है। ये शेड कैसा था इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया है, तो एक बार रिपीट करता हूँ। इसमें पहले हम गाय भैंस इनका पालन करते थे, लेकिन कुछ वजह से वो बंद पड़ गया है। सो अभी मैंने उनको उसको रिनोवेशन किया है और उसको ही एक कागज़, नेट, जाली लगाई है। तो अभी जस्ट ट्रायल के लिए मैंने ये सब किया है, बाद में सब एक्सटेंड होने वाला है। तो ट्रायल के लिए अभी मैंने 136 एक्चुअली सोई लाने वाला था, लेकिन वहाँ पे एक्स्ट्रा पड़े थे तो वो 36 भी मैंने उठा लिए है। तो टोटल 136 चीज़ें मेरे पास हैं, गावरान पिल्ले बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो 136 गावरान पिल्ले हमारे यहाँ हमारे शेड पे हैं। तो ये है मेरा शेड। अभी ये छोटे है इसके वजह से ये पुट्टा जो लगाया है, क्योंकि इधर उधर जाएंगे तो उनको ठंड लग जाएगी, ब्रूडिंग ठीक से नहीं होगा, इसके वजह से ही लगाया है। 21 दिन के बाद हम उसको हटा देंगे, उसको थोड़ा साइज़ उनकी जगह बड़े बड़े करते जा रहे हैं। तो ये इनका एक का प्राइस मुझे मिला है 20 रुपीज़, एक्चुअल प्राइस 23 है, तो मुझे 20 रुपीज़ में मिले हैं। ये देसी है प्योर गावरान कोमड़ी। तो टोटल खर्चा उनका हुआ है 2700 रुपये, 2700 रुपीज़। और ये जो खाने का फूडर और ड्रिंकर ये जो है वो मैंने सेकेंड हैंड ही लिए है एक पोल्ट्री फार्म से, उसका प्राइस गया मुझे 400 रुपये, 50 रुपये का एक। और ये जो अपना राइस रहता है या अपना चावल का तूस है वो मैंने नीचे डाली है, वो भी मैंने 400 रुपये में लाया है, 400 रुपये का 60 kg मुझे मिला है, ये भी पोल्ट्री फार्म से ही परचेस किया है। तो ये सब ट्रायल बेसिस पे हो रहा है, ये एक्सटेंड होने वाली है पोल्ट्री। तो पूरा एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं था, तो एक्सपीरियंस लेने के लिए सब हो रहा है 136 चीज़ें। तो उनका सबसे महंगा जो है उनका खाद्य है, जो 1500 रुपये में 50 किलो आता है, और मैक्सिमम 3 हफ्ते या 1 महीना जब तक वो छोटे तब तक, उसके बाद 15 दिन में 1 लगता है। तो ऑन एवरेज टोटल अभी तक का खर्चा है वो मेरा 10,000 है, और उसके आगे और एक 5,000 रुपये खर्चा होने वाला है। तो टोटल 16,000 रुपीज़ खर्चा आएगा, 16,000 रुपये। और उसके बाद देखते हैं कि हमारी जो है 136 उसमें से कितने बचते हैं, वो 2-2.5 महीने हैं अभी तक, और इनका कितना वेट मिलता है और किस रेट से जाते हैं, तभी हमको पता चलेगा कितना प्रॉफिट है, उसके हिसाब से हम उसको एक्सटेंड करने वाले हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे का वीडियो लसीकरण का आएगा नेक्स्ट 2 दिन में, तो ज़रूर देखना। थैंक यू।